कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाकर की जा रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में धरना आंदोलन कर केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे हैं। सामने तालुका कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, तालुका युवक कांग्रेस, NSUI आदि की सैकड़ों कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नागपुर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर कुम्हारे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल आदि के नेतृत्व में गांधी पुतला चौक में घंटों धरना देकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। पर जिला परिषद नागपुर की उपाध्यक्ष सुमित्रा कुम्हारे, पूर्व नगर सेवक नीलेश पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल सीरिया प्रमुखता से उपस्थित रहकर केंद्र सरकार की नीतियों को राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी बताकर बदले की राजनीति करार देकर मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप, देश और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, घरेलू सामानों की बढ़ती कीमतें, जातिवाद, भारी बारिश के कारण अस्त व्यस्त होता जनजीवन आदि विषयों पर ध्यान देना तो दूर, बस ईडी की शीडी लगाकर विपक्ष को घेर जैसे तैसे सत्ता काबिज कर मनमानी करने का आरोप इस धरना आंदोलन में लगाए गए। धरना आंदोलन के सफलतार्थ मनोज बसवार, गोपाल घटे, साहेबराव विरखरे, चंदू कामदार आदि ने परिश्रम लिए, तो वहीं घंटों चले इस धरना आंदोलन यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ और कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने और यातायात सुचारू करने के लिए थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में API सतीश पाटिल, शिवाजी नागवे, पुलिस कर्मी सुनील तलमले, दिनेश काकड़े आदि ने प्रयास किया। देश के इतिहास में गांधी परिवार ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे बलिदान करने वाले, जान निछावर करने वाले देश पर, ऐसे गांधी परिवार को अड़चन में लाने के लिए, राजनीति करने के लिए ये जो मोदी सरकार, इनको ईडी की चौकसी और ये चौकसी, किसी किसी तरह की चौकसी पे खूब घने आरोप लगाकर जो वार कर रही है वो बिल्कुल गलत है, उसका धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। ये आंदोलन है आज जो ईडी ने सोनिया जी गांधी इनको नोटिस दे दे के बार बार परेशान कर रही है, ईडी का गैर वापर कर रही है, इसके बारे में ये आज हमारा सत्याग्रह है, आंदोलन है और ये बहुत देर से चालू है। बहुत देर तक के यहाँ रोड पर बैठकर हम सोनिया जी के समर्थन में यहाँ पे नारे लगा के इनको सहयोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो सब आम जनता को मालूम है कि ये कैसा यहाँ पे पैसे का गैर वापर, ईडी का गैर वापर करके इन्होंने सत्ता पलट किया है। और ये आने वाले इन्होंने जो अभी जो अध्यादेश निकाला है, जो फुटीरवादी जो गट है उनके माध्यम से ये मुख्यमंत्री बने हैं, और इन्होंने जो अध्यादेश निकाला है महाराष्ट्र में, ये अपना नगर परिषद हो गई या अपने ग्राम परिषद हो गई, ये सबके जनता में से जो सरपंच चुना है, लेकिन इन्होंने फोड़ फोड़ के जो आमदार बनाए, इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके जो आमदार बने हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए, ये देश के लिए एक खतरे की यहाँ पे घंटी है। अगर यहाँ केंद्र सरकार नहीं माने तो ये आंदोलन और उग्र होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। माननीय सुनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में ये आंदोलन कांग्रेस का जारी रहेगा और पूरे ये देश की जो जनता है ये रास्ते पे आंदोलन करेंगी, अमर उपोषण करेंगी। लेकिन आने वाले भविष्य में जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव आने वाले चुनाव में जो आम जनता है, ये आम जनता ये आने वाले ये सरकार को, मोदी सरकार को सबक सिखाए बगैर नहीं रही। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।